नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य विभाग में 1000 से ज्यादा पदों पर निकली हैं भर्तियां। बिहार में बनकर तैयार हुई ऐसी सुरंग जहां से गुजरेगी राजधानी और तेजस ट्रेन। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंड। बिहार में बढ़ी बेरोजगारी दर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में 1000 से ज्यादा पदों पर निकली हैं भर्तियां। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 1062 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति दी जानी है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 से शुरू की जा चुकी है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं वो 24 दिसंबर 2021 से पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी दर। फिसड्डी राज्य का दर्जा मिलने के बाद वैसे ही बिहार सरकार की फजीहत उड़ रही थी, वहीं अब बेरोजगारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये क्या? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में 13.9% की तुलना में नवम्बर में 14.8% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। सितम्बर के 10% से तुलना करें तो 2 महीने के भीतर बेरोजगारी दर में 4.8% का इजाफा हुआ है। इन सब के बीच थोड़ी राहत की बात यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा के अलावा राजस्थान और जम्मू कश्मीर से बिहार की हालत अच्छी है। जम्मू कश्मीर में 21.4 और राजस्थान में बेरोजगारी दर 20.4% है। वहीं बिहार की तुलना में झारखंड की स्थिति ठीक कही जा सकती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। शिल्पा सिंह का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में 21 दिसंबर 1988 को हुआ था। शिल्पा सिंह एक भारतीय एक्ट्रेस, डांसर और बड़ी मॉडल है। वो IMSHE मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में उपविजेता रही थी। उन्होंने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 10 में से 9.6 के स्कोर के साथ साक्षात्कार प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने के बाद सेमीफाइनलिस्ट में से एक बन गई। शिल्पा सिंह अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मी शिल्पा ने लास वेगास में आयोजित हुई प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2012 में भारत का प्रतिनिधित्व करके बिहार और भारत दोनों का मान बढ़ाया था। भले ही वो इस खिताब को जीत नहीं पाई, लेकिन उनके हौसले काफी बुलंद रहे। पेशे से शिल्पा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके तहत इस भर्ती के माध्यम से कुल मिलाकर 365 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है, जिसके तहत आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब इन पदों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास की हो या फिर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित और आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र हासिल किया हो। बिहार में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंड। बिहार में ठंड का सितम आने वाले 2 दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वानुमान के अनुरूप प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिसके बाद अब ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बाबत मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि शुक्रवार के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और उपग्रहीय तस्वीर से पता चलता है कि प्रदेश में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। इसकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके प्रभाव से राज्य में आज 18 दिसंबर से जिसके तहत राज्य में 18 दिसंबर से पछुआ हवा की प्रवाह बढ़ जाएगी, जिसके कारण अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने का अनुमान है। रक्तकाली मंदिर मत्स्यगंधा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वर्ष 1997 में तत्कालीन डीएम के प्रयास से एक बंजर जमीन पर मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना का निर्माण कराया गया था। बाद में इसके साथ ही झील से सटे भूभाग पर रक्तकाली मंदिर, 64 योगिनी धाम के साथ ही दर्जनों मंदिर का निर्माण कर इसे कोशी प्रमंडल के प्रमुख पर्यटक स्थल में शुमार कर दिया गया। यहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा और संध्या काल में घूमने आते हैं। इस मंदिर के अंदर एक स्थान पर 108 मूर्तियां स्थापित की गई हैं और इसमें मां काली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मत्स्यगंधा जलाशय काफी सालों तक बंद रहा, परंतु 2017 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। साथ ही इसमें बोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है। यह जगह सहरसा के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है।
बिहार में बनकर तैयार हुई ऐसी सुरंग जहां से गुजरेगी राजधानी और तेजस ट्रेन। बिहार में सुरंग बनकर तैयार हो गई है जिसमें अगले साल की शुरुआत में ही राजधानी का परिचालन होने लगेगा। जानकारों की माने तो दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में मुख्य सुरक्षा आयुक्त कोच 24 की ट्रेन दौड़ाकर इस नए सुरंग की जांच की जाएगी। इसके बाद सीआरएस विजिट का इंतजार करेंगे। सीआरएस विजिट के बाद एनओसी मिलने के उपरांत ही इस रेलखंड से होकर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। नई सुरंग से ट्रेन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन और रतनपुर के बीच बनी दूसरी नई रेल सुरंग से ट्रेनों का परिचालन शुरू कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार है, जिसको लेकर यहां नई सुरंग में रेल पटरी बिछाने का काम संपन्न कर लिया गया है। अब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी अंजाम दिया जाना है। विशेष राज्य की मांग को लेकर भाजपा पर बरसे मांझी। शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष के साथ और विशेष राज्य की मांग को लेकर सरकार का साथ देने वाले मांझी की पार्टी ने अब भाजपा को निशाने पर ले लिया है, जिसके तहत मांझी की पार्टी की तरफ से प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन बिहार का हक दिलवाकर रहेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि राजद के लोग आए बिहार में प्रदर्शन करें, हम उनके साथ केंद्र सरकार का घेराव करने को तैयार हैं। इस दौरान दानिश रिजवान ने भाजपा के साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, राजद नेता शिवानंद तिवारी पर भी जमकर शब्द बाण चलाए। दानिश रिजवान ने इस क्रम में शिवानंद तिवारी के बयानों को लेकर भी जमकर तंज कसा। भारतमाला परियोजना से जुड़ेगा औरंगाबाद में बनने वाला एनएच। बिहार के कई गांव को जीवन वरदान मिलने वाला है, क्योंकि औरंगाबाद के अंबा एनएच 139 से दवे मदनपुर होते हुए जिला के चिरेला स्थित सीमा तक स्टेट हाईवे 101 का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विभागीय मंत्री नितिन नवीन भी छठ व्रत के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर तक का रास्ता सुलभ करने के लिए इस सड़क के निर्माण के प्रति गंभीर है। देवधाम से सड़क का सीधा जुड़ाव होगा। सड़क मदनपुर से आगे केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत अमस से गया होते हुए दरभंगा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हाईवे से जुड़ेगी। जानकारी के अनुसार अंबा से मदनपुर अंचल के गया सीमा तक करीब 33 किलोमीटर सड़क का निर्माण करीब 184 करोड़ 91 लाख की लागत से कराया जाएगा। सड़क 7 मीटर चौड़ी होगी। इसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन कराए करें यात्रा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना काल में लगभग 1.5 साल से अधिक वक्त के बाद रेल यात्रियों को फिर से जनरल टिकट पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की इजाजत मिलने लगी है। हालांकि अभी यह सुविधा सीमित ट्रेनों में ही शुरू की जा रही है, जिसके बाद यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में चलने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों में साधारण श्रेणी की कुछ आरक्षित बोगियों को 20 दिसंबर से आरक्षित के बदले अनारक्षित कोच के रूप में चलाने का निर्णय ले चुकी है। स्पेशल ट्रेनों के बजाय रेगुलर नंबर के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के बाद रेलवे की तरफ से यह यात्रियों को बड़ी राहत है। विशेष राज्य को लेकर राजद का भाजपा पर तंज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लगातार सियासत जारी है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जदयू और राजद के अलग अलग बयान आ रहे हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, जिसके बाद अब राजद ने भाजपा को निशाने पर लिया है। जिसके तहत राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार में विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही थी। उस समय लगता था कि उनके घर में पैसा रखा हुआ था कि तुरंत ही वो दे देते। ये जुमले वाली पार्टी है। हमारे नेता इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार अगर सच में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं तो इसकी मांग पुरजोर तरीके से रखें। यदि केंद्र नहीं मान रहा है तो एनडीए से बाहर आए, तब समझेंगे कि ये बिहार की जनता की भलाई करना चाहते हैं। बिहार में डीएम और एसपी की छुट्टियां रद्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के मद्देनजर बिहार से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत सभी जिलों के डीएम और एसपी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मुख्य सचिव के आदेश पर ये छुट्टियां कैंसिल हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। उनकी यह यात्रा 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू होगी और 11 जनवरी को पूर्णिया में खत्म होगी। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम की यात्रा को लेकर राज्य के 6 प्रमंडल के 1-1 जिले में समारोह का आयोजन होगा, जबकि 3 प्रमंडल में 2-2 जिले में आयोजित जनसभा को नीतीश कुमार करेंगे। सीएम की इसी यात्रा को लेकर बिहार में डीएम और एसपी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना का असर पड़ा मैट्रिक की परीक्षाओं पर। बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही स्थिरता देखने को मिल रही हो, लेकिन मैट्रिक परीक्षा पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। यही कारण है कि बिहार बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिए जाने के बावजूद 1 लाख छात्रों ने अब तक परीक्षा फॉर्म भरने का काम ही नहीं किया है। आलम कुछ यूं है कि इस बार जितने विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उससे 1 लाख से अधिक छात्र मैट्रिक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए प्रदेश भर से कुल 17,49,187 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इसमें 16,48,000
1894 ने ही परीक्षा फॉर्म भरा है, जबकि बोर्ड द्वारा कई बार परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख भी बढ़ाई गई, जिसके बावजूद अब रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म में इस बार 1,293 परीक्षार्थी का अंतर है। इतना अधिक अंतर कई सालों के बाद इस बार देखने को मिला है। बिहार के पड़ोसी राज्य में अब ओमिक्रॉन की हुई एंट्री, आंकड़ा 100 के पार। बिहार में भले ही ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि अब तक नहीं हुई हो, लेकिन बिहार के सभी पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगभग सामने आ चुके हैं। अभी तक दिल्ली में कई मामले सामने आए थे, अब तो बिहार के ठीक पड़ोस में यूपी में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दोनों ही व्यक्ति महाराष्ट्र और राजस्थान की यात्रा कर लौटे थे, लेकिन जांच में यह पता नहीं चला है कि वो ओमिक्रॉन की चपेट में कहां आए। वहीं दूसरी तरफ एक पखवाड़े में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण का नया वेरियंट देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुका है। मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में ओमिक्रॉन के अब 101 मरीज हो गए हैं। चिराग ने सीएम नीतीश को बताया पीएम कुर्सी का लोभी। बिहार विधानसभा चुनाव में जब से चिराग पासवान ने बिहार के राजनीतिक जमीन पर जदयू के समर्थन से अपना हाथ खींचा है, तब से भले ही बिहार के लोगों से उन्हें चुनाव में कोई सकारात्मक परिणाम ना मिला हो, लेकिन समय के साथ उनके तंज कसने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। तमाम मुद्दों पर सरकार का घेराव करने वाले चिराग ने अब सीएम नीतीश पर पीएम बनने का सपना देखने का आरोप लगाया है। साथ ही चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बहाना ढूंढ रहे हैं भाजपा से अलग होने का। उनको नरेंद्र मोदी की जगह पीएम मटेरियल बनना है। जिस आदमी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना है, वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि भाजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कह चुकी हैं कि विशेष राज्य के दर्जे में जितनी सहूलियत और राशि मिलती है, उससे ज्यादा राशि केंद्र बिहार को दे रही है, तो नीतीश कुमार पहले उसका हिसाब देंगे। नए साल पर तेजस्वी निकालेंगे बेरोजगारी हटाओ यात्रा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के करीब एक हफ्ते बाद अब एक्शन में आ गए हैं। यही कारण है कि शनिवार को वो शादी के बाद पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खरमास के बाद हर जिले में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने की बात कही है। साथ ही समापन पर पटना के गांधी मैदान में बेरोजगारी रैला का आयोजन किए जाने की बात भी कही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि 19 लाख रोजगार कहां गए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इंजीनियर के आवास पर क्यों छापेमारी चल रही है इसका पता नहीं, लेकिन राज्य में इतने बड़े बड़े मामले हुए हैं, राज्य में 75 घोटाले हुए, कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे बिहार कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है पदयात्रा का हिस्सा बिहार कांग्रेस भी बना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा थोपी गई महंगाई और बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरने का निर्देश दिया था, जिसके तहत राजधानी पटना में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में मखदूमपुर गेट नंबर 89 में दीघा हाट तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसे लेकर कांग्रेस चिंतित है और समय समय पर महंगाई को लेकर आंदोलनरत है। मोदी की गलत नीतियों के कारण आज देश में महंगाई चरम पर है। जब तक हम लोग इस सरकार को नहीं फेंकते, तब तक महंगाई कम नहीं होगी और हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। हर क्षेत्र में हो रहा न्याय के साथ विकास। जदयू की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने एक बार फिर से अपनी यात्राओं को शुरू कर दिया है, जिसके तहत पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने सभी जिलों का भ्रमण कर जदयू की योजनाओं को बिहार की जनता को बताया था। वहीं अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सभी जिलों की यात्रा शुरू कर दी है, जिसको लेकर शनिवार को पहली बार मधेपुरा पहुंचे, जहां जदयू कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर चुनाव में मिली कम सीटों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी हारी है, वहां हार के कारणों की समीक्षा कर कमी को दूर किया जाएगा। एनएच और एसएच के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। गर्दनीबाग में जमे वार्ड सचिवों को मिला तेजस्वी का साथ। शादी के बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव अब राजनीतिक बागडोर संभालने में जुट गए हैं। यही कारण है कि पहले तो वो बीते दिन लंबी छुट्टी के बाद राजद कार्यालय पहुंचे, उसके बाद वो अचानक से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर बीते 4 दिनों से वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी ने पहले तो सभी वार्ड सचिव से मुलाकात की, उसके बाद कहा कि राजद उनके साथ खड़ी है, क्योंकि आपकी मांग जायज है। ये सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, इस सरकार को फौरन आपकी मांग माननी चाहिए। आपकी जानकारी आपको बता दें कि बीते 4 दिनों से अपने मानदेय निर्धारित करने और नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत के वार्ड सचिव धरना दे रहे हैं। वीजा की तरह बिहार के थानों में हो रही है शराब की होम डिलीवरी। तेज प्रताप यादव जब से बिहार आए हैं, तब से ही लगातार सरकार पर हमलावर है। पहले तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर और अब बिहार में शराबबंदी की उड़ाई जा रही धज्जिया पर अपना बयान दर्ज किया है उन्होंने, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि शराब तो बंद नहीं है, सरकार का जो काम है उसमें पूरी तरह वो फेल है। लगाम कसना चाहिए अपराधियों पर। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिहार सरकार के पास खाद ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अफसर शराब पीते हैं, बिहार में अभी महा महाजन
जंगल राज है। अपराधियों का तांडव मचा है। सरकार के अधिकारी ही शराब पीते हैं। थाने में शराब की होम डिलीवरी होती है। पिज्जा की तरह शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल संभालेंगे उपकप्तानी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम के उपकप्तान को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। एएनआई से बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि केएल राहुल चोटिल रोहित शर्मा की जगह टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उपकप्तानी संभालेंगे। रोहित की भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से कुछ समय पहले ही मुंबई में टीम के नेट सेशन के दौरान बाएं पैर की मांसपेशियों की पुरानी चोट उभर आई थी और साथ ही उनके हाथ में भी चोट लग गई। भारत ए के कप्तान प्रियांक पांचाल टेस्ट सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित का ऑप्शन होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ की 1927 में स्थापना हुई। सन 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने 1961 में गोवा के बोर्ड में प्रवेश किया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 1934 में आज के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म 1919 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान का निधन 1927 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। व्हाट्सएप पर किसी को नहीं दिखेगा टाइपिंग स्टेटस। यदि आप किसी को एक लंबा मैसेज लिख रहे हैं और कुछ दोबारा ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो यह छिपाना बेहतर होगा कि आप उसे टाइप कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर व्हाट्सएप में आपको टाइपिंग स्टेटस छिपाने की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन एक ट्रिक है जिससे आप इसे छिपा सकते हैं। इससे पहले कि आप मैसेज लिखना शुरू करें, आप बस फ्लाइट मोड एक्टिवेट करें या अपना डेटा बंद करें। अब व्हाट्सएप खोलें और टाइप करें और अपना मैसेज भेजें। इसके बगल में एक वॉच आइकॉन दिखाई देगा और जैसे ही आप डेटा को वापस ऑन करते हैं या फ्लाइट मोड को डिसेबल करते हैं, मैसेज सेंड हो जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट ये बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा कि आपने मैसेज लिखने में कितना समय बिताया है। पटना पहुंचे विदेशी मेहमान। प्रवासी पक्षी हर साल सरहद को पार करके बिहार पहुंचने का काम करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आलम कुछ यूं है कि पटना सचिवालय के पास राजधानी जलाशय इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। ये पक्षी इस तालाब में मार्च तक रहते हैं जहां ये प्रजनन करते हैं। इसके बाद वो अपने वतन वापस लौट जाते हैं। पटना वन प्रमंडल की तरफ से भी इन पक्षियों की उचित देखरेख की जाती है। पटना का मौसम इन पक्षियों को इतना भाता है कि ये पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पटना पहुंच जाते हैं। जलाशय की देखरेख कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विदेशों से इन पक्षियों के आने के बाद इलाका इनके कलरव से गुंजायमान हो जाता है, ये पक्षी यहाँ आराम से रह सके। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है इनके नाम है विद्यासागर, विजय कुमार मंडल, अंजलि कुमारी, सोनू कुमार, रीमा कुमारी, विवेक राज, मनजीत पांडे, चंचल कुमार, अरविंद कुमार मित्तल, श्रवण कुमार, एनके गांधी, प्रियेश कुमार, अमन कुमार, आरती कुमारी, राहुल राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी की समस्या सुलझाने में बिहार सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।